करने की सजा मौत, और वो भी उस इंसान से जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। इस चैनल में हम आपको क्राइम की स्पेशल सीरीज दिखाते हैं। हमारी सीरीज खूनी इश्क जारी है। इस सीरीज में आज कहानी जम्मू की एक डॉक्टर सुमेधा शर्मा की, जिसे उसके बॉयफ्रेंड जौहर गनई ने मौत के घाट उतार दिया। उस रात किचन में इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का अपनी दोस्त का कातिल बन गया। वो कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ ही डॉक्टर बने, एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, लेकिन लड़की को क्या पता था कि उसका वही दोस्त उसका कातिल बन जाएगा। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा उसने प्यार किया, वही उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। प्यार में कत्ल की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। ये कहानी है जम्मू तालाब तिल्लो की रहने वाली 25 साल की सुमेधा शर्मा की, जो जम्मू के डोडा जिले के रहने वाले लड़के जौहर गनई से प्यार करती थी। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन बावजूद इसके दोनों सालों तक एक साथ एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, और कॉलेज में ही दोनों पढ़ाई के दौरान दोस्ती भी हो गई थी। BDS कंप्लीट करने के बाद सुमेधा पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। वो दिल्ली के कॉलेज से MD करने लगी, जबकि जौहर गनई वहीं जम्मू में प्रैक्टिस करने लगा। दोनों के बीच लेकिन रिश्ता लगातार फिर भी बना ही रहा। इस साल होली के दिन सुमेधा जम्मू गई थी। वो अपने परिवार के साथ होली खेलना चाहती थी। जम्मू गई तो अपने बॉयफ्रेंड जौहर से भी मिली। होली की पहली रात वो अपने बॉयफ्रेंड के घर गई। दोनों किचन में बातें कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। जौहर ने किचन में रखे चाकू को सुमेधा के शरीर में आर पार कर दिया। थोड़ी ही देर में सुमेधा खून से लथपथ हो चुकी थी। जिस बॉयफ्रेंड से मिलने वो इतनी खुशी खुशी वहां आई थी, उसने ही उसे मौत दे दी थी। ये सब जौहर के घर पर हुआ, और किसी को इस बारे में कोई खबर भी नहीं थी। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद जौहर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। फेसबुक पर पोस्ट में उसने लिखा कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। ये पोस्ट जैसे ही उसके दोस्तों ने देखी तो पुलिस को खबर की गई। पुलिस जब जौहर गनई के घर पहुंची तो वहां उन्हें एक लड़की की लाश मिली। वहीं थोड़ी दूर पर जौहर भी जख्मी पड़ा हुआ था। सुमेधा की हत्या करने के बाद जौहर ने खुद को भी जख्मी कर लिया था। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि लाश डॉक्टर सुमेधा की है, जो होली मनाने दिल्ली से जम्मू आई हुई थी। इस कत्ल ने जम्मू में सनसनी फैला दी। कई तरह की थ्योरी सामने आई। लड़के से पूछताछ में पता चला कि उसने झगड़े के बाद गुस्से में गर्लफ्रेंड का कत्ल किया है। वहीं बजरंग दल इसे लव जिहाद का मामला बताने लगा। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है। प्यार और गुस्से की इस कहानी ने हस्ती खेलती एक लड़की की जान ले ली। सुमेधा के माता पिता को इंतजार है अपनी बेटी की हत्या पर न्याय मिलने का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। NBT क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक भी करिए।